गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए जो यंगस्टर्स हैं, जो मतलब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बच्चे 12 13 14 साल के यूथ एज में हो के रहा हिंदुस्तान के अंदर क्रिकेटर्स के बीच में, इस तरह के जो बच्चे हैं जो 8 से 10 11 12 13 14 साल के बच्चे हैं, जब वो गेंद डालते हैं तो जो कोचिज है ना उनके बॉलिंग एक्शन के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो क्वालिफाइड कोचिज हैं, जो 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 चाहते हैं, जो जानते हैं, वो कभी भी बच्चे को उसके सस्पेक्ट एक्शन से, मतलब उसके इल्लीगल एक्शन को मोटिवेट नहीं करते, तुरंत रोक देते हैं। लेकिन सभी कोचेस तो क्वालिफाइड नहीं है ना, सभी कोचेस को तो मालूम नहीं है ना कि व्हाट इज सस्पेक्ट एक्शन, व्हाट इज लीगल एंड इल्लीगल बॉलिंग एक्शन। तो मेरे पास में भी इस तरह क्रिकेटर्स होते हैं, बेहतर ये है कि वो बॉलिंग ना करें। अगर वो सस्पेक्ट एक्शन से बॉलिंग कर रहे हैं, होगा क्या, एक दिन उनका वही एक्शन, बॉलिंग एक्शन वही पक्का हो जाएगा। गलत चीज़ का अभ्यास करते करते वो गलत चीज़ मजबूत हो जाएगी, अब उसको छुड़ाया कैसे जाएगा, समाप्त। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हुए हैं जिनको शुरुआती दौर में जिनकी समाप्ति हो गई है, एक एज हो जाती है उसके बाद में वो एक्शन, बॉलिंग एक्शन चेंज नहीं होता है। तो मेरा ये इस वीडियो के माध्यम से बताना मुझे आवश्यक लगा कि कोई भी बच्चा इल्लीगल बॉलिंग एक्शन, मैं बताऊंगा इल्लीगल बॉलिंग एक्शन क्या है, ये सस्पेक्ट एक्शन से बॉलिंग नहीं कर, सस्पेक्ट जिस बॉलिंग एक्शन के अंदर नेकेड आई से ये पता लग जाए कि यार ये कुछ गड़बड़ सी है इसके बॉलिंग एक्शन में, दैट इज कॉल्ड सस्पेक्ट एक्शन, और वो एक्शन इल्लीगल हो सकता है। इसलिए कोचेस को उस बात को जानना बहुत आवश्यक है कि व्हाट इज लीगल एक्शन। मैं आपको बताता हूं, जैसे ही हम बॉलिंग स्ट्राइक पे आते हैं और हमारी आर्म ऊपर जाती है तो ये शोल्डर लेवल है ना, इसके ऊपर जब हाथ चला जाता है इस पोजीशन में, तो आप अगर आपकी भुजा सीधी नहीं है कोई बात नहीं, आप गेंद ऐसे डाल सकते हैं, बट इस लेवल से अगर आपकी भुजा यहाँ ऊपर आ गई, आपने ये आपकी इस पोजीशन पे आपका हाथ आता है ऊपर और आप ऊपर की तरफ हाथ ले जाते हैं या आप और नीचे की तरफ बैंड करते हैं, तो दिस इज ए इल्लीगल बॉलिंग एक्शन। BCCI ने इस तरह के बॉलिंग एक्शंस के ऊपर बहुत काम किया है, बहुत सारे क्रिकेटर्स को BCCI ने बहुत मदद की है, रिहैब होता है उनका NCA में, राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी में, बहुत पैसा खर्च करती है BCCI अपने क्वालिटी प्लेयर्स के ऊपर। मैं एज ए मैच रेफरी बड़े सारे क्रिकेटर्स की हेल्प की, जैसे अंपायर रिपोर्ट करते हैं मैटर को, उसकी वीडियो को बड़े माइन्यूटली वॉच किया जाता है, समझा जाता है, और आज तो एक्शन बड़ा सख्त लेती है BCCI। अगर कोई भी इल्लीगल बॉलिंग एक्शन के साथ में प्लेयर आता है तो प्लेयर इतना आगे तक आया कैसे, तो कोचेस के ऊपर भी एक्शन हो जाता है, आप विश्वास करना मेरी बात का। तो ये मेरी इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्रिकेटर इल्लीगल बॉलिंग एक्शन से बॉलिंग ना करे, अगर वो कर रहा है तो जो कोचेस हैं वो तत्काल उसका बॉलिंग एक्शन ठीक कराए और उसको सही पाथ पर लेके चले। वो कहते ना, फर्स्ट यू मेक्स योर हैबिट्स, देन हैबिट्स मेक्स यू। तो इनिशियली आप अगर करेक्ट बॉलिंग एक्शन से बॉलिंग करते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है, सस्पेक्शन नहीं आना चाहिए। तो ऐसे बच्चे हर जगह हैं, सभी बच्चों के लिए सीख है कि देयर शुड नॉट बी एनी सस्पेक्ट इन योर बॉलिंग एक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।